गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन 6 प्लस के बारे में। तो क्या आप सबको 2022 में इस फोन को परचेज करना चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए? तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं गाइस, ये फोन लॉन्च हुआ था 2014 में सितंबर 9 को। लगभग इस फोन को 7 से 8 साल होने आ गए हैं और एप्पल की स्ट्रैटेजी देखिए, अभी तक इस फोन को हम लेने के लिए सोच रहे हैं। तो यार, बने रहिए वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नॉलेज दूंगा आप सबको 6 प्लस के बारे में, क्यों आप सबको बाय करना चाहिए या फिर क्यों आप सबको बाय नहीं करना चाहिए। वैसे मैं कार्ड्स में एक लिंक रीजंस आप सबको क्यों इस फोन को बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। तो आप सबको एल्युमिनियम बॉडी यहाँ पे देखने को मिल जाती है और बेंडिंग वाला इशू आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले की। तो आप सबको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 5.5 इंचेस का। तो आप सबको काफी ठीक ठाक सा बड़ा सा डिस्प्ले आप सबको देखने को मिल जाता है और पीछे आप सबको एल्युमिनियम देखने को मिल जाता है। और ये मैंने ब्लैक टेम्पर ग्लास मतलब कि यूज किया था। आप सबको लग रहा होगा यार, फोन का कलर कैसे चेंज हो गया। तो मैंने इस फोन को यूज किया है लगभग बहुत दिनों तक, ठीक है। और इसमें आप सबको इशूज देखने को मिलती है। इसमें आप सबको 1 GB की रैम देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में फोन या फिर थोड़े बहुत सोशल मीडिया के लिए ठीक ठाक आप सबको देखने को मिलता है। और जानकारी के लिए बता दूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरीज हो तो डायरेक्टली आप मेरे को DM कर सकते हैं। और काफी फोन ये बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है, उतना ज्यादा स्नैपी फील नहीं होता है। और बात करते हैं रियर कैमरा की। तो आप सबको 8 MP का पीछे का कैमरा देखने को मिल जाता है और 1.2 MP का फ्रंट कैमरा। और बैटरी आप सबको 2915 mAh की देखने को मिल जाती है, जो कि आप सबको एक दिन की बैटरी बैकअप भी मुश्किल से के देगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा लाइट यूजर हो तो आप सबको एक दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बैटरी मैंने एक बार यहाँ पे रिप्लेस करा चुकी है, ठीक है, लगभग मेरे को 1200 रुपये पे करने पड़े थे। और बात करते हैं अवेलेबल रैम का। तो 1 GB का रैम देखने को मिल जाता है और इंटरनल स्टोरेज मेरी 64 GB की है इसमें, ठीक है। और बात करते हैं इसमें आप सबको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो डिस्प्ले आप सबको ठीक ठाक सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं क्या आप सबको यार, ये फ़ोन आप सबको इतना ज़्यादा स्लो फील होगा 2022 में कि क्या बात करूँ। जब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें मैं थोड़े बहुत हैवी टास्क करने वाला हूँ या फिर थोड़ी बहुत भी गेमिंग करने वाला हूँ तो यार वो बात एकदम भूल जाइएगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे, तो आप सबको फिजिकल टच ID देखने को मिल जाता है 2nd जनरेशन का, जो कि कभी कभी ठीक ठाक से काम करता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी फिंगर मतलब कि 10 में से 6-7 बार ही खुलता है, पता नहीं ये क्या कैसा है। और बट इसके नेक्स्ट वाले जो 7 के हैं वो काफ़ी परफेक्ट काम करते हैं। तो 7 का भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बात करते हैं पीछे, आप सबको एल्युमिनियम फिनिश देखने को मिल जाती है और हाथ में पकड़ने में फ़ोन काफ़ी आप सबको प्रीमियम लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा सस्ता फ़ोन, वैसे ये सस्ता है भी नहीं, ठीक है। और डिस्प्ले आप सबको काफ़ी क्रिस्प देखने को मिल जाती है, लेकिन बैटरी बैकअप आप सबको एकदम सी बेकार देखने को मिलती है। दिन में 2 से 3 बार आप सबको इस फोन को चार्ज करना पड़ेगा। और कैमरा भी कुछ आप सबको खास देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि हम लोग इसे कैमरा से ब्लॉगिंग करेंगे या फिर कुछ और चीज़ें करने वाले हैं या फिर अच्छे अच्छे सेल्फीज लेंगे, तो आप सब भूल जाइएगा, इस फोन से उतना सब कोई चीज़ नहीं होगा। तो मैं 2022 में यही कहूँगा कि इस फोन को स्किप कर दीजिए। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो 7 को कंसीडर कीजिए, 7 प्लस को कंसीडर कीजिए, या उससे ऊपर वाले मॉडल्स को मतलब कि कंसीडर कीजिए, वो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा डील रहेगा, ठीक है गाइस। इस फोन को स्किप कर दीजिए। और बात करते हैं ऐप क्रैशेस की। तो गाइस, इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐप क्रैशेस होते हैं। जब भी आप कोई थोड़ी बहुत भी मिनिमम हैवी वर्क करोगे गाइस, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम पे आप लाइव भी आ जाओगे ना, तो ये ऐप कभी कभी क्रैश हो जाता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी पावर देखने को नहीं मिल जाती है। एप्पल A8 का चिप देखने को मिलता है इसमें, वो भी एक आई थिंक क्वाड कोर चिप है, जो कि आप सबको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे ले आके नहीं देगा, ठीक है गाइस। तो मैं सीधे बोलूँगा, अगर आप सबको बाय भी करना भी चाहते हो तो आप सब 6 to 7,000 rupees से ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा बग्स इसमें देखने को मिल जाते हैं और एप्पल के बहुत सारे ऐप्स इसमें सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। अगर आप सबको कोई और आईफोन्स की वीडियो देखना है तो मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो, मैं उस पर भी वीडियो बहुत ही जल्दी ला दूंगा गाइज, ठीक है। तो इस फ़ोन को बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए, मेरी राय है यही, ठीक है। इसको बाय मत करना, 7, 7 प्लस या फिर उससे ऊपर वाले मॉडल्स को आप कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अगली कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो।